एक बार की बात है, एक पिता ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर बन गया। बेटा घर से दूर रहने लगा। एक दिन पिता अपने बेटे से मिलने के लिए उसके शहर गए, उसके ऑफिस जाकर उसके चैम्बर में गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए और अपने बेटे से एक सवाल पूछा, कहा कि बेटा बताओ दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। बेटे ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, उसने कहा कि पिताजी मैं ही होऊंगा, और कौन हो सकता है। पिता को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, वो वहां से जाने लगे। वो गेट पर आए और उन्होंने सोचा कि एक बार फिर से पूछता हूँ। वो एक बार फिर से अपने बेटे के पास गए और पूछा कि बताओ बेटा दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो बेटे ने इस बार कहा कि पिताजी आप। पिता ने कहा कि अभी तो तुमने खुद को कहा, अभी मुझे कैसे कह रहे हो। बेटे ने कहा कि पिताजी उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और जिस वक्त एक पिता का हाथ उसके बेटे के कंधे पर हो, वो दुनिया का तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही होगा ना। ये सुनकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कहते हैं ना कि बड़े नसीब वाले होते हैं जिनके कंधे पर पिता का हाथ होता है, जिंदगी के हर सपने पूरे होते हैं अगर। लो कर लो बात, हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। चलो उठ जाओ, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। लो कर लो बात, हम आपको गुड मॉर्निंग। ये दोनों आंखें एक साथ क्यों बंद होती, एक साथ क्यों खुलती हैं, एक साथ क्यों सोती हैं, एक साथ क्यों रोती हैं? आजीवन किसी व्यक्ति से संपर्क बनाया रखा जा सकता है बिना उनसे मिले। कुछ ऐसा ही प्रेम है मेरा और राधे का भी, और कुछ ऐसा ही तो होता है प्रेम।